सो टुडे वी विल स्टार्ट. अभी हमने क्या खत्म किया था भाई? ग्रेविटेशन खत्म किया था कि नहीं? यस सर. बोलो, ग्रेविटेशन ही खत्म किया था ना? यस. ग्रेविटेशन के बाद में अपन स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. तो पहले बताओ मेरे को, सॉलिड क्या होता है? तो जिसके पार्टिकल्स फोर्स सब्ट्रैक्शन से ज्यादा हो, जिसमें यस, या ये बोल सकते हो जिसके पार्टिकल बहुत ज्यादा इंटरनल अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए होते हैं. मतलब अगर मैं टेक्निकल बोलू कि जिसपे शेयर फोर्स, इसको आगे पढ़ेंगे हम शेयर फोर्स के बारे में. से ये मानो कि जो टफ हो या फिर जिसपे मैं फोर्स लगाऊं तो इजिली डिफॉर्म ना हो पाए, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड्स बोलते हैं. ठीक है, अब हम एक देखने वाले हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में, आज की क्लास में देखने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी के बारे में देखेंगे, और कुछ देखेंगे क्वेश्चन जो कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पे बेस्ड होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है. डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? एक्चुअली अभी मैंने सॉलिड बताया था कि सॉलिड क्या होता है. सॉलिड होता है कि जैसे मैं उसको डिफॉर्म कर रहा हूं, मैं इसको डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं तो इजीली डिफॉर्म ना हो पाए. जैसे अगर मैं बोलूं कि ये मेरा सॉलिड है, ठीक है, इस पे अगर मैं टेंजेंशियल फोर्स लगाता हूं, इसको हम बोलते हैं एक्चुअली शेयर फोर्स. और यहां पे मान लो ये ब्लॉक फिक्स है, अगर मैं इस पे शेयर फोर्स लगा रहा हूं तो इजीली ये डिफॉर्म ना होगा. वैसे डिफॉर्म ऐसा नहीं है डिफॉर्म ना हो, कुछ ऐसे करके हो जाएगा. ये जो साइड है ये कुछ ऐसे करके हो जाएगी, ऐसे करके हो जाएगी. अभी हम आगे पढ़ेंगे शेयर स्ट्रेस के बारे में. तो इजिली शेयर स्ट्रेस का अपोज थोड़ा बहुत कर सके, उसको हम बोलते हैं सॉलिड्स. और अच्छा, फ्लूइड्स में क्या होता है, लिक्विड्स में? अभी हम आगे नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें पढ़ेंगे लिक्विड्स के बारे में. तो मान लो कि ये फ्लूइड है, फ्लूइड में अगर हम शेयर फोर्स लगाएं तो ये अपोज नहीं कर पाता है. ये क्या करता है, धीमे धीमे ऐसे 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 करके इसमें बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन होता है, इसमें निग्लिजिबल डिफॉर्मेशन होता है. निग्लिजिबल डिफॉर्मेशन. और फ्लूइड्स में जो होता है वो कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर टाइप का डिफॉर्मेशन होता है, और बिल्कुल भी शेयर फोर्स का अपोज नहीं कर पाता. तो ये तो सॉलिड और फ्लूइड के बारे में बात हुई. अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा है डिफॉर्मिंग एंड रीस्टोरिंग फोर्स. देखो डिफॉर्मिंग एंड रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स किसको बोलेंगे, जो फोर्स डिफॉर्म करने का कोशिश कर रहा. डिफॉर्मिंग फोर्स इज अ फोर्स व्हिच चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग. मतलब वो फोर्स जो आपकी ऑब्जेक्ट को, आपकी बॉडी को, आपके किसी भी उसको का शेप चेंज करने में की कोशिश कर रहा हो, उसको बोलेंगे डिफॉर्मिंग. अच्छा, आपने देखा होगा, आपने इसी को देख रहे हो, ये जो बीच में रखे हुआ है एक कोई भी बोर्ड टाइप का रखा हुआ है, जैसे ये नीचे की तरफ कूद रहा है तो क्या ये नीचे की तरफ थोड़ा सा कर्व हो रहा है, ये वाला, ये जो बोर्ड है ना, शीट टाइप का ही बोर्ड है, नीचे की तरफ बेंड हो रहा है फिर से ऊपर की तरफ हो जा रहा है. इसका मतलब जब ये इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो कुछ ऐसे करके हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर. लो, ये इस पर्सन का वेट है, अब जब ये वेट इस पे लग रहा है तो ये क्या हो रहा है कुछ, और जैसे ही हट रहा है, वेट जैसे ही हट रहा है, क्या इस साइड से एक रीस्टोरिंग फोर्स है जो कि इसको सेम शेप में ला रहा होगा. भाई सेम शेप में भी तो आ रहा है, जैसे ही हट जाता है ये कर्व टाइप का हट जाता है, जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग. और फाइनली में क्या हो जाता है, फिर से फ्लैट हो जाता है.
होता है कि नहीं ऐसा? यस तो ये जो वेट है, ये जो वेट है, ये क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स है, ये डिफॉर्म कर रहा है. और जो जिस ये एक्चुअली रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? इंटरनल रजिस्टिव फोर्स भी बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? इंटरनल रजिस्टिव फोर्स भी बोलते हैं. या फिर हम बोल सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो हमारा ऑब्जेक्ट लगाता है हमारे ऊपर. जैसे मैं इस पेन को ऐसे मोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, पेन इजिली नहीं मुड़ रहा है. मुड़ रहा है क्या? बोलो. नो सर. लेकिन मैं इस वायर को मोड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो ये इजिली मुड़ जा रहा है. वायर को इजिली मुड़ जा रहा है. इसका मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो पेन ज्यादा लगा रहा है. या फिर बोलूं कि इंटरनल रजिस्टिव फोर्स पेन ज्यादा लगा रहा है एज कंपेयर टू वायर के. आ रही बात समझ में? यस सर. डिफॉर्मिंग फोर्स उसको बोलेंगे जो फोर्स डिफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, और रिस्टोरिंग फोर्स उसको बोलेंगे वो जो फोर्स हमें ओरिजिनल शेप में वापस लाने की कोशिश कर रहा है. और जो ओरिजिनल शेप में वापस लाने की कोशिश कर रहा है वो बॉडी हमारी इंटरनल के इंटरनल फोर्स, जनरली हमारा इंटरनल फोर्स होता है. बॉडी अपने आप दूसरी उसी शेप में आने की कोशिश करती है. बोलो, चमका इतना? यस सर. ठीक है, अब हम आते हैं मेन टॉपिक, इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं भाई? जैसा कि आप इस रबर को देख रहे होंगे, इलास्टिसिटी हम बोलते हैं कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को खींचूं, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को खींचूं और जैसे ही फोर्स को हटा रहा हूं उसके ऊपर से, वो अपने आप अपनी शेप में आ जाए, अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाए, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? उस ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी बोलते हैं. जैसे रबर, अरे वो होते ना बालों में लगाने वाली रबर, गर्ल्स को तो पता होगा होती है. तो वो क्या करती है? ऐसे ऐसे खींच देती है, खींच दो उसको और हाँ छोड़ दो, फिर अपनी अपनी जगह पे आ जाएगी. खींच दो छोड़ दो, खींच दो छोड़ दो. जैसे यहाँ पे आपको हैंड हाथ में दिख रहा होगा, ये क्या है? रबर है, रबर है. क्वार्ट्ज फाइबर, क्वार्ट्ज फाइबर होता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज होता है. ये थोड़ा सा एग्जाम्पल आपने देखे नहीं है, बट ये एग्जाम्पल आपको आपने देखा है और डेली लाइफ में आप देखते भी हो. अरे कहीं से कुछ पैक करा के लाते हैं, पानी की टिकिया पैक करा के लाते हो? गोलगप्पे, गोलगप्पे पैक करा के लाते हो? जिस पॉलिथीन में पानी रखता है उसको ऊपर से किससे बांधता है? वो रबर से बांधता है. अगली बार जब पैक करा के लाओ तो उस रबर को लेना हाथ में, उसको थोड़ा सा खींच, ज्यादा नहीं खींचना है, ज्यादा खींच दोगे टूट जाएगी. वो हम आगे पढ़ेंगे प्लास्टिक फेलियर, या फिर बोले कि ब्रेकिंग ब्रेकिंग स्ट्रेस, वो भी हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन एक लिमिट तक खींचोगे फिर से छोड़ दोगे तो वो इतनी तेज आती है अपनी ओरिजिनल शेप में कि आपके एक एक साइड छोड़ दी दूसरे हाथ में लगने लगती है. जैसे ही आपने फोर्स लगाया और आपने उस फोर्स को जैसे ही हटाया, वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाती है. उसको हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडी, या फिर वो प्रॉपर्टी उस बॉडी की होती है इलास्टिसिटी. और चमका? यस सर. यस सर. अब हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की, बॉडी क्या होती है एक्चुअली में? प्रैक्टिकली अगर हम देखा जाए तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बहुत कम होती है. परफेक्टली इलास्टिक बॉडी मतलब एक साल तक आप ऐसे ही खींचते रहो, खींचते रहो, खींचते रहो, खींचते रहो, और ऐसे छोड़ते रहो, खींचते रहो, कभी भी डिफॉर्म ना हो, उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. इफ अ बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज कंप्लीटली एंड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल द डिफॉर्मिंग फोर्स इज सेड टू बी अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. अगर प्रैक्टिकली तो कोई बहुत कम होती है, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल बोलो तो इसको रबर बोल सकते हैं. हम अगर अपने देखने के लिए बोले हैं तो हम बोल सकते हैं कि रबर वो होती है, जैसे एक तो होती है इलास्टिक बॉडी, एक होती है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. तो होता क्या है कि कोई भी बॉडी इलास्टिक है मान लो, तो मैंने क्या किया, किसी एक मान लो रॉड को, मान लो कोई रॉड है किसी मटेरियल की बनी हुई है, उसको मैंने खींचा पहले मान लो 10 सेंटीमीटर थी, तो मैंने उसको खींच के 11 सेंटीमीटर कर दिया.
11 सेंटीमीटर कर दिया। अब वो जब मैंने जैसे ही फोर्स को हटाया वो हो गई 10.0001 सेंटीमीटर की हो गई। तो वो इलास्टिसिटी तो उसमें है लेकिन परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, परफेक्टली 10 सेंटीमीटर की द्वारा में नहीं हो पाई है, तो उसको हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं बोलेंगे। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी उसको बोलेंगे कि मैं अगर खींचू और छोड़ने के बाद में एग्जैक्टली उसी शेप एंड साइज में आ जाए उसको हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। आई बात समझ में? यस सर। मतलब अब अगर कोई आपसे इलास्टिसिटी के बारे में बात करने लग जाए तो सिंपल आपको बोल देना है कि भैया जो रबर होती है वही प्रॉपर्टी उसी उसकी जो रबर की प्रॉपर्टी होती है कि खींचो छोड़ो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगी, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्लियर है? यस ठीक है। अब अगर इलास्टिसिटी आपको रिमेम्बर करना याद करना है दोबारा से तो आप रबर को याद रखो। ठीक है, अब आते हैं प्लास्टिसिटी पे। इलास्टिसिटी क्या थी? इलास्टिसिटी थी जैसे ही मैं रिस्टोरिंग फोर्स को हटा रहा हूं या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा रहा हूं वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जा रही है। प्लास्टिसिटी बोलेंगे उसका उल्टा। जैसे ही मैं रिस्टोरिंग फोर्स को हटा रहा हूं वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आ पा रही है, नहीं आ सकती, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आ सकती। इट इज अ इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल स्टेटस आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे मिट्टी जो मड होता है, मड मड ले लो, आटा ले लो, चाहे आपके घर में आटा है उसमें आटा लगा हुआ रखा है उसमें एक उंगली दबा देना अंदर की तरफ, अंदर की तरफ उंगली दबा देना और हाथ को उठा लेना, तो वो थोड़ा सा तो रिस्टोर करता है लेकिन पूरा रिस्टोर नहीं कर पाता। जहां पे आप उंगली दबाओगे वहां पे गड्ढा बन जाता है, बनता है कि नहीं? अब ये तो सभी खाना बन रहा होगा सबके घर पे, अभी क्लास के बाद ऐसा करके देख लेना, हाथ धुल लेना वरना मम्मी तुम्हारा प्लास्टिसिटी दिखवा देंगी गंदे हाथ हुए तो अच्छे से। ठीक है, तो मेरे चक्कर में पिटाई मत खा लेना मम्मा से या हल्ला मत खा लेना, डांट मत खा लेना मम्मा से, हाथ अच्छे से हाथ साफ करना, मम्मा को पहले बोल देना कि मम्मा मैं ये देखने वाला हूँ बस, तो कुछ नहीं बोलेंगे, मम्मा खुश हो जाएंगे बच्चा मेरा पढ़ रहा है प्रैक्टिकल कर रहा है। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी आप कभी बारिश के टाइम पे गए होंगे तो जब कीचड़ बहुत सारा पड़ा हुआ जिस रास्ते से आप निकल के चले जाते हो, बारिश बंद हो चुकी है लेकिन कीचड़ तो है ना, जिस रास्ते से आप निकल के चले जाते हो उस जगह पे आपके पैरों के निशान बन जाते हैं। तो जो आप एक बार आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया उसके बाद वो मिट्टी अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश कर ही नहीं करती ही नहीं है, तो उस टाइप की प्रॉपर्टी को, किसी ऑब्जेक्ट की उस टाइप की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल दूं, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट क्या करता है, आप वहां से निकाल दो और अगर टूथपेस्ट को ऐसे हाथ पे रख लो या फिर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दो तो ऊपर की तरफ ही रहेगा, नीचे की तरफ कर दो नीचे की तरफ रहेगा, जैसे आप कर दोगे वैसे ही रहेगा, अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश वो करेगा ही नहीं। उस टाइप की प्रॉपर्टी को, किसी ऑब्जेक्ट की उस टाइप की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। सिमिलरली परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होती है? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी वो होती है जो बिल्कुल भी ढीट हो, बहुत ज्यादा ढीट हो। हाँ हाँ वरुण कुछ पूछना चाह रहे हो? सर अगर हम जैसे कागज को चला देते हैं सर उसमें भी प्लास्टिसिटी होगी? नहीं नहीं कागज की बात करोगे, कागज ऐसे वो कर देते हो ना आप छोड़ते हो तो कुछ हद तक वो क्या करता है अपनी शेप में रीगेन करने की कोशिश करता है, कुछ हद तक तो करता है ना सर। नहीं सर अगर जला देते हैं उसको कागज को तब? अच्छा जला देते हैं, नहीं 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 जलाने की बात अलग हुई ना, आप क्या कर रहे हो जो आपके कागज की शेप है उसको जला दे रहे हो तो राख बन गई ना। यस सर। वो तो उसकी शेप ही चेंज हो गई, अब पहले था मेरा सॉलिड फॉर्म में कागज, अब वो किसमें बन गया? राख के फॉर्म में, मतलब एज अ फ्लूइड की तरह समझ लो, उसको फूंक मार दोगे इधर उधर हो जाएगा, तो फॉर्मेट ही चेंज हो गया उसका। अच्छा परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी किसको बोलेंगे? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी जो बिल्कुल भी कोशिश ना करे, आपने देखा था आटे में अगर आप उंगली लगाओगे थोड़ी सी तो कोशिश करता है वो अपनी शेप में आने की, थोड़ी सी कोशिश करता है लेकिन आ नहीं पाता पूरा, तो वो आपकी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी नहीं हुई।
परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी वो होगी कि जिस शेप में आपने बोल दिया उसी शेप में एग्जैक्टली बैठा हुआ है, वापस आने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा है, उसको हम बोलेंगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। बोलो चमका। यस सर। ओके, अब हम आते हैं इलास्टिक बिहेवियर इन सॉलिड्स। एक्चुअली में इलास्टिक बिहेवियर सॉलिड्स में क्यों होता कि जैसे ही मैंने मान लो एक पेंसिल मिली, क्या एक सेकंड जरा, पेंसिल से थोड़ा सा इलास्टिक बिहेवियर समझ में आता है। पेन कहाँ पे था मेरा, वो वाला पेन नहीं मिल रहा है, पेंसिल वाला इसमें है क्या, मिल गया मिल गया, पेंसिल मिल गया। ठीक है, देखो ये पेंसिल दिख रही है आपको, ये पेंसिल दिख रही है, ग्रीन नहीं बेटा, मेरे में इतनी ताकत नहीं है ना कि मैं पेन को ऐसे डुबा सकूं। देखो ये डिफॉर्म हो रही है, डिफॉर्म हो रही है, डिफॉर्म हो रही है कि नहीं, अरे डिफॉर्म कर रहा हूँ थोड़ा सा, टेढ़ा कर रहा हूँ कि नहीं, देखो अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई, जैसे डिफॉर्म कर रहा हूँ सीधी अपनी सीधा, जो जैसे स्ट्रेट खड़ी हुई थी वैसे ही आ गई, देखो वैसे ही आ गई। तो ऐसा होता क्यों है, इलास्टिक बिहेवियर होता क्यों है सॉलिड्स में? तो सॉलिड्स में क्या होता है, इनके एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ वाइब्रेट करते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ऐसे वाइब्रेट करते हैं कि ऐसा लगता है कि इन सबके बीच में एक स्प्रिंग लगी हुई है, इन सब के बीच में एक स्प्रिंग लगी हुई है, ऐसा फील होता है। ऐसे हम इमेजिन कर लेते हैं कि शायद हो सकता है कि इमेजिनरी इनके बीच में स्प्रिंग लगी है जिसकी वजह से ऐसे करके वाइब्रेट करते हैं एक दूसरे के, एक दूसरे के ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ऐसे वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो स्प्रिंग का क्या रूल होता है, जैसे आप पास में लेके आने की कोशिश करोगे तो ये दूर जाने की कोशिश करेंगे, और अगर दूर ले गए तो पास में आने की कोशिश करते हैं। स्प्रिंग की ही तो प्रॉपर्टी होती है, हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यस और नो? यस सर। तो यही हमारा, यही रीजन होता है कि जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर इलास्टिक बिहेवियर होता है, क्योंकि हम जैसे ही मान लो एक कॉर्नर को, इसमें से एक कॉर्नर को आप क्या कर रहे हो, माना कि आपने इस कॉर्नर को बाहर की तरफ खींचा ऐसे, तो ये क्या करेगा, ये वाली स्प्रिंग खींचेगी, ये वाली स्प्रिंग खींचेगी, इन दोनों से एक रीस्टोरिंग फोर्स आपने लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स, यहां से एक रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा, यहां से एक रीस्टोरिंग फोर्स है। जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाओगे ये रीस्टोरिंग फोर्स इस एटम को अपनी जगह पे ले आएगा। बेटा ये बहुत ज्यादा जूम है, ये दोनों फिगर्स है ना बहुत ज्यादा जूम है, ऐसा मत सोचना कि हर एक दो एटम्स के बीच में स्प्रिंग लगा होता है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली नहीं लगा होता, हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारा इलास्टिक बिहेवियर होता है सॉलिड्स में। आ रही बात समझ में बच्चों? यस सर। ऐसा मत बोल देना किसी के सामने कि सॉलिड्स में इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है, क्योंकि सर उनके बीच में स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग नहीं लगी होती, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा बिहेव करते हैं वो एटम्स, हर एक एटम ऐसा बिहेव करता है कि उन सबके बीच में एक स्प्रिंग लगी हुई है, इमेजिनरी स्प्रिंग, जो कि हमेशा डिफॉर्मेशन के अपोजिट फोर्स लगाती है, और डिफॉर्मेशन की अपोजिट फोर्स लगाती है तो हमारा, जैसे हम डिफॉर्म करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, हर एक स्प्रिंग अपनी तरफ खींचती है, तो रिस्टोरिंग फोर्स आता है। भाई रिस्टोरिंग फोर्स कहीं से तो आ रहा होगा, इंटरनल का कौन क्रिएट कर रहा है, हमने इमेजिन किया कि भैया कोई स्प्रिंग लगी होगी वो रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट कर रही होगी। एक्चुअली में इनके पीछे बॉन्ड्स होते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे बॉन्ड्स, बॉन्ड तो पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, इसके बारे में मैं नहीं बताने वाला भाई, वो केमिस्ट्री का मेन टॉपिक ही है, बॉन्ड बताने लग गया तो हो गया काम फिर तो है ना, कोवलेंट बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये बहुत सारे बॉन्ड है। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और स्ट्रेस। सर ये तो बहुत ज्यादा है मेरे को, ये तो मुझे डेली सुबह उठ के होती है, एग्जाम जैसे पास पास आ रहे हैं, मेरे को स्ट्रेस बहुत ज्यादा होने लगी है, होने लगी है क्या? यस सर। यस सर। ये क्या था, स्ट्रेस से कुछ हो सकता है क्या? नो सर, नहीं हो सकता। स्ट्रेस जब ज्यादा हो ना, ये अच्छा, स्ट्रेस में हम करते क्या है,
हमारे 12 चैप्टर हैं, अपन ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। चलो ये तो काम हम कल से करेंगे, आज नहीं पढ़ते। 12 चैप्टर है, 12 दिन है, एक दिन में। और अभी मान लो एग्जाम के बच्चे हैं 15 दिन, हमने बोल दिया 12 चैप्टर 12 दिन में पढ़ लेंगे, अभी तो 3 दिन बाकी है ना, तो 3 दिन मस्ती करते हैं भाई। क्या ऐसा ही सोचते हैं? यस सर, ऐसा नहीं करना है, एक टाइम पे एक स्टेप लो सारी चीजें, एक टाइम पे एक स्टेप। ऐसा मत करो कि एक दिन बैठ के 10 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन उड़ा दिए, गोल मार दिए, ऐसा नहीं करना है। डेली पढ़ो, डेली पढ़ाई करो। देखो अपन आते हैं मेन टॉपिक पे। तो स्ट्रेस होती क्या है? इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स सेट पर यूनिट एरिया। याद रखना, इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स बोलो या फिर बोलो कि इंटरनल रजिस्टिव फोर्स। इंटरनल रजिस्टिव फोर्स भी बोलते हैं किसी किसी बुक में, हम ये बोल सकते हैं इंटरनल रजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। इंटरनल, या तो आप बोलो अप्लाइड फोर्स। कहाँ गया भाई? हाँ देखो, एक्चुअली में इंटरनल रजिस्टिव फोर्स आपके अप्लाइड फोर्स के इक्वल ही होती है, इसीलिए हमने इसको रिप्लेस कर। जैसे मान लो कि कोई ब्लॉक है, इसके ऊपर इधर एफ फोर्स है और इधर भी एफ फोर्स लग रहा है, तो हम अगर एक सेक्शन लें कि मान लो इस एरिया पे मेरे को स्ट्रेस निकालनी है, तो हम एक साइड को कंसीडर करते हैं, चाहे लेफ्ट को कर लो चाहे राइट को कर लो, तो इसको इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? एफ फोर्स लग रहा है। इसके ऊपर एफ फोर्स लग रहा है, तो ये एफ फोर्स लग रहा है तो इसको अपोज भी तो कर रहा होगा, तभी तो ब्रेक नहीं हो रहा है ये ब्लॉक भाई। इसको कोई अपोज भी तो कर रहा होगा, अगर अपोज नहीं कर रहा होता तो ब्लॉक टूट जाता। टूटता कि नहीं? यस तो जो फोर्स अपोज कर रहा है वो कितना होगा? सेम मैग्नीट्यूड का होगा, इसीलिए हम अप्लाइड फोर्स को हम क्या भी और क्या बोल सकते हैं? इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। एक्चुअली में स्ट्रेस की अच्छी डेफिनेशन, अगर मैं बोलूं कि अच्छी बुक की बात करो, तो वो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स लिखती है। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, कितने एरिया पे अप्लाइड हो रहा है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। आई बात समझ में? और उसकी एसआई जी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1l-1t-k2। बोलो चमका। चमका सर। यस सर। यस अभी सर। आपको बताऊंगा प्रेशर। अच्छा प्रेशर की भी यूनिट, प्रेशर क्या होता है फिर? प्रेशर फोर्स पर क्या होता यूनिट है? एरिया, फोर्स पर एक्सटर्नल, यूनिट एक्सटर्नल फोर्स। अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि ये भी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है, और ये भी हमारा एफ अपॉन ए है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये बहुत लोग पूछ लेते हैं रास्ते में चलते हुए, कोई भी प्रैक्टिकल में पूछ सकता है आपको कि बेटा एक बात बताओ मेरे को कि स्ट्रेस और प्रेशर में अंतर क्या होता है? दोनों ही एफ अपॉन ए होते हैं। तो आप बोलोगे सर स्ट्रेस होता है मेरा इंटरनल रजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, जबकि प्रेशर होता है एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। जो फ्लूड मेरा बाहर से अप्लाई कर रहा है, जो फोर्स प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया में कर दूं उस फोर्स को, वो होता है मेरा प्रेशर। और अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया करता हूं, वो होता है मेरा स्ट्रेस। बाया मैग्नीट्यूड ये दोनों सेम होते हैं, इसीलिए दोनों का फॉर्मूला सेम है और डायमेंशन सेम है और यूनिट सेम है, बट क्वांटिटी दोनों बिल्कुल अलग अलग है। और चमका। चमका यस सर। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रेस हमारी होती कितने टाइप की है। तो स्ट्रेस होती है हमारी, देखो स्ट्रेस को दो पार्ट में डिवाइड किया, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेस, या फिर हम इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोलते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस सेम टू सेम हमारी स्ट्रेन भी होगी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस। तो अब इनको एक-एक करके देखते हैं, पहले हम नॉर्मल स्ट्रेसेस देखेंगे, उसके बाद शेयर स्ट्रेस देखेंगे। देखो नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है? दो टाइप की थी ना,
दो टाइप की थी, नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल और कंप्रेसिव। एक और टाइप की थी क्या, वॉल्यूम स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस एक्चुअली में तीन टाइप की थी टोटल। देखो आप नॉर्मल स्ट्रेस तीन टाइप की है ना, नॉर्मल स्ट्रेस एक टाइप, ये तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, एक टाइप ये हो गया फाइनल में, एक टाइप ये हो गया, एक टाइप ये हो गया, तीन टाइप की हमारी नॉर्मल स्ट्रेस से कायदा है। तो सबसे पहले देखेंगे लॉन्ग टेंसाइल स्ट्रेस, ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला दोनों का सेम है। देखो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। टेंसाइल फोर्स का मतलब क्या है भाई, टेंसाइल फोर्स का मतलब है मैं इसको बाहर की तरफ खींच रहा हूं, ऐसे ऐसे दूर दूर खींच रहा हूं, मतलब उसकी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर, उसकी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। आ रही बात समझ में, फोर्स या फिर बोलो टेंसाइल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। सिमिलरली कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगी, जैसे मैं किसी को दबा रहा हूं अंदर की तरफ दबा रहा हूं, तो उस पर ऐसे करके फोर्स लगा रहा हूं अंदर की तरफ, मतलब लेंथ को कम करने की कोशिश कर रहा हूं, तो फोर्स कैसा है मेरा, कंप्रेसिव फोर्स है। कंप्रेसिव फोर्स है तो उसको फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे। बोलो चमका, इतना चमका सर। yes. और अगर मेरा वॉल्यूम स्ट्रेस, अगर मेरा पूरे वॉल्यूम पे जो प्रेशर लग रहा है, वॉल्यूम पे जो प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस बोलेंगे। बोलो चमका कि नहीं चमका इतना अभी तक सर, चमका। yes, ठीक है। देखो टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से लेंथ बढ़ेगी, कंप्रेसिव की वजह से कम होगी, वॉल्यूम स्ट्रेस की वजह से वॉल्यूम कम होगा। अब हम आने वाले हैं शियर स्ट्रेस पे, टेंजेंशियल भी बोलते हैं शियर को, हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं और शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं, टेंजेंशियल एंड शियर स्ट्रेस। अब देखते हैं टेंजेंशियल क्या मतलब क्या है। शियर का मतलब है छूते हुए जाना, जैसे आपको एग्जांपल अभी अभी फोटो से पता चल जाएगा, जैसे ये हमारा कोई सिलेंडर था उससे छूते हुए कोई फोर्स निकल रहा ऊपर के सरफेस को, ये कौन सा फोर्स आपका, शेयर फोर्स। ये जो एफ फोर्स है ये कौन सा है, शेयर फोर्स। जैसे ये ब्लॉक है इसके ऊपर ऐसे छूते हुए ऐसे फोर्स निकल रहा है, इसको कौन सा बोलेंगे, शेयर फोर्स बोलेंगे। किस एरिया पे लग रहा है, इस वाले एरिया, तो एरिया यही वाला कंसीडर करेंगे अपन, याद रहे एरिया यही वाला कंसीडर करेंगे, ये वाला एरिया कंसीडर नहीं करेंगे। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है शेयर स्ट्रेस में, ये ध्यान रखना, जिस एरिया पर फोर्स लगाया जा रहा है उस एरिया को कंसीडर करेंगे। जैसे मान लो मेरी बुक रखी हुई है बहुत सारी, ये एग्जांपल मैंने इसीलिए ऐड किया था जिससे कि आप अच्छे से समझ सको। जैसे ये अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकली दिखाऊं भी कि ये मान लो बुक है, तो इसके ऊपर अगर मैं शेयर स्ट्रेस लगाऊं तो आप देखोगे ये किनारी इसकी, देखो ये किस तरह से हो गई है, इसके ऊपर शेयर स्ट्रेस लगा रहा हूं मैं ऐसे करके स्ट्रेस लगा रहा हूं, तो देखो एक साइड इसके नीचे है, दूसरी साइड ऐसे करके ऊपर वाली साइड बढ़ गई है आगे की तरफ, बढ़ी है कि नहीं, देखो बोलो ये किसकी वजह से हुई है, इसके ऊपर वाले सरफेस पे मैंने ऐसे करके फोर्स लगाया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ऐसे करके फोर्स लगाया है। तो देखो पहले एक्चुअल में ऐसे थी, पहले ऐसे थी बुक ऐसे थी, अब मैंने क्या किया ऐसे करके फोर्स लगाया इसके ऊपर, ऐसे करके फोर्स लगाया, तो ये ऊपर वाला सरफेस आगे आ गया लेकिन नीचे वाला वहीं का वहीं रह गया। तो आप देखोगे इस फिगर में बुक के जरिए से बताया भी है, एक बुक के जरिए से बताया भी है कि शेयर स्ट्रेस क्या होती है। देखो यहाँ पे फिजिक्स की बुक है आपके पास, फिजिक्स की बुक है और उसने क्या किया ऊपर वाले सरफेस, ये भी क्या है शेयर फोर्स लगा के ऊपर वाला सरफेस आगे आ गया है लेकिन नीचे वाला सेम टू सेम रहा है उसी जगह पर। सेम सिमिलरली यहां पर देखो इस वाले को शेयर फोर्स, ऊपर वाले सरफेस पर शेयर फोर्स लग रहा है, ऊपर वाले सरफेस से टच करते हुए शेयर फोर्स लग रहा है, शेयर फोर्स। और तो आप देखोगे ये जो लेंथ है ऊपर वाली लेंथ थोड़ी सी डिफॉर्म हो जा रही है। सिमिलरली यहां पर भी देखोगे हमारा क्या हो रहा है, शेयर फोर्स लग रहा है, तीनों चारों केसेस हमारा शेयर फोर्स लग रहा है। तो शेयर फोर्स पर यूनिट शेयर्ड एरिया, एरिया कौन सा लेंगे, ये वाला एरिया, इसमें ये वाला एरिया,
इसमें ये ऊपर वाला एरिया है, इसमें ये वाला एरिया जो शेयर हो रहा है। शेयर फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलेंगे? शेयर स्ट्रेस बोलेंगे। बोलो चमका इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब जरा इस क्वेश्चन को करो। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू वायर्स हैव सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है, उनके रेडियस में क्या दे रखा है रेशियो? 2:1। फाइंड इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स। जैसे मान लो कि आपके पास एक कोई रॉड है, एक रॉड ये है, फिक्स है, चलो एक एंड से फिक्स है, एक पे फोर्स लग रहा है, कोई एफ फोर्स लग रहा है दोनों, पहली का डबल मानते हैं, चलो इसको पतला बना देते, दोनों के ऊपर एफ फोर्स लग रहा है, इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस है 2r और इसका रेडियस है मान लो r, तो क्योंकि 2:1 में है ना, तो उसने पूछा है फाइंड द स्ट्रेच, फाइंड इफ दे आर स्ट्रेच सेम फोर्स द रेशियो ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस में क्या रेशियो होगा? स्ट्रेस को जनरली हम शो करते हैं सिग्मा से। ये क्या है आपका? सिग्मा, सिंबल ऑफ ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। करो भाई जरा स्ट्रेस के बारे में। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन ई। जरा करो एफ अपॉन ई लगा के सिग्मा वन, इसको मान लेते हैं वन, इसको मान लो टू, तो सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू की वैल्यू पूछी यार। करना जरा कैसे होगा भाई। दो बच्चों का आंसर आया पुनीत एंड वरुण। वेट फॉर अदर्स। हाँ पुनीत बड़ा आंसर बताओ। 1:4। हिम्मत सिंह, हिम्मत सिंह सर 1:2। वरुण सर 4:1। 1:1 वरुण सर 1:2। अच्छा हिम्मत का 1:2 है, ठीक है ठीक है, ओके वेट कर। चलो देखो भाई कैसे करते हैं इसको, गलत पेन उठा लेता हूँ, ठीक है। तो अपन को पता है सिग्मा इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है, तो पहले रिलेशन निकाल लेते हैं। एफ, एफ मेरा सेम फोर्स है दोनों में, सेम फोर्स है ठीक है। ए क्या है मेरा? पाई बाई फोर डी स्क्वायर, अच्छा पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं ना। एरिया, एरिया क्या होगा इसका? सिलिंड्रिकल मान लेते हैं ना, सिलिंड्रिकल एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तुम्हारा क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूं कि नाउ मेरे को चाहिए रेशियो ऑफ, गलत हो गया, हाँ ठीक है, सिग्मा वन डिवाइडेड बाई सिग्मा टू चाहिए। तो सिग्मा वन क्या है मेरा? सिग्मा वन है एफ अपॉन पाई। आर वन क्या है मेरा? टू आर है, टू आर है कि नहीं है भाई? टू आर है ना, तो टू आर का स्क्वायर, टू आर का स्क्वायर क्या 4r स्क्वायर हो जाएगा? Yes. डिवाइडेड बाई क्या होगा? आर टू, सॉरी सिग्मा टू। सिग्मा टू क्या है? एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका तो आ रही है भाई, इसका तो रेडियस आ रही है ना। तो आप देखोगे एफ से एफ कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो हमारा क्या बचा? अगर आप देखोगे ये आर स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, तो
आर स्क्वायर अपॉन फोर आर स्क्वायर, तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू आपका वन बाई फोर, बोले कि सिग्मा वन रेशियो सिग्मा टू आ गया वन रेशियो, दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोले चमका? यस सर। अब हम आते हैं स्ट्रेन पे। स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन आपकी होती है द रेशियो ऑफ चेंज इन एनी डायमेंशन प्रोड्यूस इन द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। किसी फोर्स को लगाने की वजह से, किसी फोर्स को लगाने की वजह से कितना उसकी डायमेंशन में कमी हुई या बढ़ोतरी हुई, यानी कि चेंज इन डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन फाइनल डायमेंशन माइनस के इनिशियल डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। अब वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी, लेटरल स्ट्रेन होगी, वो कई सारी टाइप की स्ट्रेन होगी, वो अभी हम देखेंगे। लेकिन सबकी मेन डेफिनेशन क्या है? मेन डेफिनेशन क्या है? चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। जरा इसके लिए देख लेते हैं भाई क्या कहना चाह रहा है। जैसे मैं बोलूं कि इसकी लेंथ पहले थी एल, ये जो लेंथ थी पहले इनिशियली मेरी मान लो टोटल लेंथ थी एल, और जब मैंने इसको दबाया किसी फोर्स से दबाया, ये कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स भाई, नॉर्मल अप्लाई हो रहा है ना। तो इसकी लेंथ में जो कमी हुई वो लेंथ, यानी मान लो डेल्टा एल लेंथ की कमी हो गई और ओरिजिनल लेंथ एल है, तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या होगी? आपकी स्ट्रेन होगी। द स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज, दैट्स व्हाई इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें क्या होता है कि लेंथ अपॉन लेंथ है, इसकी यूनिट भी मीटर होगी भाई, और इसकी यूनिट भी मीटर होगी, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, इसीलिए ये स्ट्रेन क्या होती है? यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। बोलो चमका, इतना चमका स्ट्रेन समझ में आया कि क्या होता है स्ट्रेन? यस सर। ठीक है, अब आते हैं हमारे टाइप ऑफ। हाँ बेटा, कुछ को डाउट है क्या? नो सर। ओके, अब आते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेन पर। जैसे हमने टाइप ऑफ स्ट्रेस पढ़ा था, वही हम देखते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेन पे। तो स्ट्रेन के कितने टाइप होते हैं? एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, और शियर स्ट्रेन होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी दो टाइप के, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। सेम टू सेम जैसे हमने स्ट्रेस पढ़ा था कि अगर हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? इंक्रीज होगी लेंथ, बढ़ेगी मतलब कितना बड़ी? डिवाइडेड बाई ओरिजिनल। सिमिलरली इसमें क्या होगी? घटेगी लेंथ। लेंथ क्या होगी? घटेगी। कितना घटी? घटी डिवाइडेड बाई ओरिजिनल, ओरिजिनल लेंथ। सिमिलरली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होगा? कितना इनिशियल वॉल्यूम था या फिर कितना फाइनल वॉल्यूम हुआ? फाइनल वॉल्यूम माइनस के इनिशियल वॉल्यूम, कितना बढ़ा या कितना घटा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे। और शेयर स्ट्रेन की क्या बोलेंगे? जितना हमारा डायमेंशन में चेंज हुआ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमेंशन, शेयर स्ट्रेन होंगे। अभी देखते हैं यार, सबसे पहले तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल। आपकी स्क्रीन सर, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही।
बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आप लोगों के साथ पता नहीं क्या है, उसमें इश्यू हो जाता है सिस्टम में, क्लास सर सेम है, सर सेम है सबके साथ सर, होता जाता है। क्या हो जाता है? अदर क्लासेस भी होती हैं क्या कभी कभी ऐसा? नहीं हमारे साथ होता है सर ऐसा। सर आप लोगों के साथ ऐसा होता है? क्या भाई कुछ खाते हो क्या अलग से? बाकी लोगों के साथ किसी भी बैच में नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। सर कल मेरे साथ हुआ था सर यही प्रॉब्लम, सब बार बार ज्वाइन किया मैंने फिर भी सर ज्वाइन नहीं हो पा रहा था मैं। ठीक है चलो कोई ना। स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। सर माइक म्यूट हो। ओके ओके माइक म्यूट हो गया, मैं बोले जा रहा था माइक म्यूट था। ठीक है तो देखो अभी होगा क्या कि जैसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आप देखोगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन समझ में आया, कंप्रेसिव और स्ट्रेस, कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों। यस सर। ठीक है अब हम देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम। मान लो आपने कोई बॉल पानी के अंदर डाल दी, पानी के अंदर डाल दी तो उसमें प्रेशर लगेगा चारों तरफ से, लगेगा कि नहीं? बोलो। चारों तरफ से जो प्रेशर लगेगा उसकी वजह से चेंज इन वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम भाई एक बात बताओ, समुन्द्र के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि नहीं? इसीलिए बोलते हैं समुन्द्र के अंदर बिना शूट के नहीं जाते। या फिर आप देखोगे कभी ज्यादा ज्यादा टाइम तक पानी में नहा लोगे तो क्या हो जाता है, आपकी स्किन पर थोड़े थोड़े से वो हो जाता है, स्किन वैसी हो जाती है थोड़ी सी। वो किस वजह से होता है? वाटर प्रेशर की वजह से। तो प्रेशर क्या करता है? वॉल्यूम को कुछ चेंज करता है। जैसे आपने कोई क्या किया, एक बॉल ली समुंदर में फेंक दी, जब बॉल हमारी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर समुद्र के अंदर पहुंच जाएगी तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा उसके ऊपर। जो प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यानी जितना वॉल्यूम कम हुआ, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे। यस और नो? बोलो चमका। अब हमारा आता है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन किसको बोलते हैं? वो स्ट्रेन देखो, जैसे ही हम क्या करते हैं एक फोर्स लगाते हैं, शेयर फोर्स। मान लो हमने कोई क्यूब माना, उसके ऊपर एक शेयर फोर्स लगाया, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो क्यूब का ऊपर वाला एरिया है थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सा हर एक एरिया स्लाइड कर जाएगा। जैसे आपका ये थीटा एंगल से ये एरिया स्लाइड किया, ऊपर वाला थीटा एंगल से स्लाइड किया, तो ये जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल बन रहा है ना, इसी को 10 थीटा अगर मैं ले लूं, तो एक बात बताओ ये लेंथ मेरे को पता है, ये लेंथ मान लो डेल्टा एल है, इतना चेंज हुआ लेंथ डेल्टा एल है, तो अगर मैं 10 थीटा लूं, 10 थीटा क्या होता है, 10 थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय बेस क्या होगा, एल। तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या होता है, शेयर स्ट्रेन होता है। डेल्टा एल यानी कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। रिलेटिव डिस्टेंस क्या है भाई, ये यहाँ पे ए बी जहां पे था वहीं पे है, और वो ई आपका ई डैश यहाँ पे हो गया, एच एच डैश यहाँ पे हो गया, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितनी डेल्टा एल हुई है, और इन दोनों के प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस कितनी एल है, तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या होगा, आपका शेयर स्ट्रेन होगा। बोलो चमका। yes. Yes, sir. तो हमारी yes, दो-तीन मिनट बीच में खराब हो गई, उसके लिए हम थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा कर लेंगे। इस क्वेश्चन को करो भाई, क्वेश्चन करो जो
उसने क्या बोला है, अ वायर ऑफ लेंथ 1 meter एंड रेडियस 2 mm इज क्लैम्प्ड फ्रॉम इट्स अपर एंड, द लोअर एंड इज ट्विस्टेड, ट्विस्टेड है, ठीक है, ट्विस्टेड मैं करवाता हूं एक बार, ट्विस्टेड आपको भी बताया नहीं है, बट ट्विस्टेड का मैंने शेयर स्ट्रेन की वजह से क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है, बट कोई नहीं, मैं बताता हूं आपको, देखो ट्विस्टेड थ्रू एन एंगल 45 degree, ट्विस्टेड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, शेयर स्ट्रेन का एंगल ऑफ शेयर पूछा है, एंगल ऑफ शेयर का फॉर्मूला होता है ट्विस्टेड इन ट्विस्टिंग, एक्चुअली ट्विस्टिंग क्या होता है, जैसे आप बोल्ट को कसते हो, बोल्ट को, नट बोल्ट को आप किसी रिंच की हेल्प से, जिससे आप जैसे वो होता है ट्रक के, ट्रक का जब व्हील चेंज करते हैं, जैसे पंचर हो गया भैया, तो उसको जब चेंज करते हैं तो वो कसते हैं उसको, बोल्ट को कसते हैं, टाइट करते हैं मशीन से या फिर आपसे, यस सर, वो प्रोसेस होता है हमारा ट्विस्टिंग प्रोसेस, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है phi इक्वल टू आर अपॉन एल इंटू थीटा, आर क्या है हमारा यहाँ पर रेडियस, तो रेडियस क्या है मेरा 2 mm, 2 mm क्या मतलब 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई एल, टोटल लेंथ कितनी है मेरी 1 meter, इंटू थीटा क्या है मेरा, थीटा क्या है 45 degree, इसको जरा सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आएगा 45 × 2 90 × 10⁻³ यानी कि 0.09 degree, फाइव ये होता, बोलो चिंका, yes, okay. अब हम आते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ाया, जरा ये बता दो क्या क्या पढ़ा भाई हमने, रिस्टोरिंग फोर्स, डीफॉर्मिंग फोर्स, हमने पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा था डीफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग एंड डीफॉर्मिंग फोर्स, और सेकंड में क्या पढ़ा, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, उसके बाद हमने पढ़ा थर्ड प्लास्टिसिटी, उसके बाद क्या पढ़ा, प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, आज की क्लास में ना हमारी थोड़ी सी थ्योरी ज्यादा हुई है, क्योंकि कल की क्लास जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें क्वेश्चंस होंगे, उसका बेस था ये, फिफ्थ में क्या पढ़ा हमने, स्ट्रेस, स्ट्रेस सर, स्ट्रेस एंड देयर टाइप्स, और क्या पढ़ा हमने, स्ट्रेन, स्ट्रेन, स्ट्रेन एंड देयर टाइप्स, और क्या पढ़ा है, क्वेश्चंस किए, क्वेश्चंस, कोई डाउट आज की क्लास में, नो सर, नो सर, तो आपको अब, हाँ बोलो, आपको होमवर्क में ये 4 questions है, और 4 questions ही, 8 questions आपको होमवर्क में मिले, 8 questions को आपको करना है, ठीक है, 8 questions को आपको होमवर्क में करना है, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सर, वेरी गुड नाइट सर, सर बाय सर, थैंक यू सर, बाय, यू वेलकम। थैंक